अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। यूं सियासत पर अब से कुछ देर पहले और उससे पहले हम देख रहे हैं कि जो भी आकर तर्जुमान, चाहे वह हुकूमती हों या अपोजिशन की जमात के हों, हुकूमती तर्जुमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर की, लेकिन अफसोसनाक खबर जो आज सुबह से आई और अब तक जो है वो हलाकतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, वो है वो दिलखराश वाकया, वो बदनसीब ट्रेन अकबर एक्सप्रेस जो कि लाहौर से क्वेटा जा रही थी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में सात का बाद के करीब बिल्कुल, और वल्हार स्टेशन पर एक माल गाड़ी से जाकर टकरा गई, जिसके नतीजे में अब तक बताया जा रहा है कि 21 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं और ख़वातीन शामिल हैं, और 100 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अभी ये बताया जा रहा है कि चंद ज़ख्मी जो है उनकी हालात जो हैं वो काफ़ी या जो उनको शदीद चोटें लगी हैं तो वो काफ़ी क्रिटिकल भी हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत याब करे, जो चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, और उनके जितने भी अहले खाना हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अदा करे। सुबह हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्विटर पर उन्होंने इस जो वाक़या हुआ है कंडोलेंस भी उन्होंने दी, और साथ साथ उन्होंने ये डायरेक्शन दी है रेलवे की वजारत को कि फौरी तौर पर जो फरसूदा कलोनियल एरा का ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे का निज़ाम है, इसको फौरी तौर पर बेहतर किया जाए, हंगामी बुनियादों पर इस पर काम किया जाए। दूसरी तरफ जो रेलवे के वफाकी वज़ीर हैं शेख रशीद साहब, उनकी तरफ से भी जाहिर है कि उन्होंने भी इस वाक़े के हवाले से अपनी कंडोलेंसेस तो दी हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने मरने वालों के लिए 15 लाख फीकस इमदाद का ऐलान किया है, शदीद ज़ख्मियों के लिए 5 लाख फीकस और जो कम ज़ख्मी हैं उनके लिए 2 लाख फीकस। बात यह है कि हमारे यहाँ इन हादसों में इजाफ़ा होता जा रहा है। ख़ुद शेख रशीद साहब ने बताया है जो इब्तदाई तहकीकात हैं कि सिग्नल सिस्टम की ख़राबी थी, कुछ ह्यूमन एरर की भी बात की जा रही है कि ये ह्यूमन एरर है, लेकिन ये किस किस्म का निज़ाम है कि हमारे यहाँ जब ट्रेन के पूरी वजारत के हवाले से बात की जाती है तो अक्सर व बेशतर जो कोई भी वज़ीर हो, जो कोई भी हुकूमत हो, वो सबसे पहले हमें ट्रेन के अच्छे निज़ाम के लिए जो बेंचमार्क बताती है कि ट्रेनें राइट टाइम पर जा रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सेफ्टी के लिए, सेफ गार्ड के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए, इसकी टेक्निकलिटीज़ में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। या हमें यह बताया जाता है कि जी नई ट्रेन सर्विस हम आगाज़ कर रहे हैं और बहुत कम वक्त में सब पहुँच जाएँगे, जब सबको पता है कि फरसूदा निज़ाम है तो क्यों इस पर इन्वेस्ट नहीं किया गया अब तक। अब ये जो पे दर पे हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता अगस्त से लेके अगर मैं ज़िक्र करूं अब तक जुलाई का, तो तकरीबन 70 बल्कि 70 से ज़ायद छोटे बड़े हादसात हो चुके हैं। डीरेलमेंट के तकरीबन 51 हादसात हो चुके हैं। मुसाफिर ट्रेनों का अगर मैं ज़िक्र करूं तो 21 मुसाफिर ट्रेन हादसों का शिकार हुई इस पिछले अगस्त से लेके इस जुलाई तक। 30 मालगाड़ियाँ हादसे का शिकार हुईं, लेकिन ये जो आज हादसा हुआ, पिछला जो हैदराबाद में हुआ था उसमें भी 6 जाने का ज़िया हुआ था, और आज तो जो है जो हमने देखा वो भी इंतहाई हौलनाक मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। और फिर इनिशियली जहाँ जहाँ ये वाक़यात होते हैं, आपको इल्म है कि वहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशंस, आज तो फौज पाकिस्तान ने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया, बाकायदा कटर्स मंगाए गए, हेलीकॉप्टर के ज़रिए एयरलिफ्ट किया गया। बहरहाल मेरे ख़्याल से जहाँ सियासत हो रही है वहाँ बहुत ही अच्छा हो अगर हुकूमत इस हवाले से कॉन्सनट्रेट करके और प्राइम मिनिस्टर साहब खुसूसन अपनी इस वजारत के हवाले से बहुत मेरे ख़्याल से मुतहर्रक होना चाहिए, क्योंकि ये जाने बड़ी कीमती थी, बड़े घर उजड़े हैं, और रेलवे जिसके लिए वो ख़ुद कहते हैं कि ये एक आम आवाम जो होती है हमारी, वो सबसे ज़्यादा ट्रेन से ही सफ़र करती है, और ख़ुद उन्होंने कई फीते काटे हैं नई नई ट्रेन एक्सप्रेस के, जो कि शेख रशीद साहब ने आगाज़ भी किया है। अपोजिशन जमातों का अगर मैं ज़िक्र करूँ तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि सिस्टम नाकिस होने की वजह से, यानी कि व्हाट ही मेंट वाज दैट नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर बट लेकिन इसको सही तरीके से चलाया नहीं जा रहा, यानी मैनेजमेंट की बात हो रही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी हो या पंजाब असेंबली में जो करारदाद जमा कराई गई है, वो मुतालबा कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद स्टूडियो में शौकत बसरा साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। कुछ ही देर में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर होंगे निसार चीमा साहब, और कराची में हमें ज्वाइन किया है शम्सुर रहमान साहब ने, जो कि सदर हैं नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान, और इन्हीं के अंडर ये पाकिस्तान रेलवे की जो यूनियन है प्रेम, वो भी आती है और दिन भर यानी आज सुबह से लेके अब तक
सारे जो जितने भी अनफोल्ड हो रही हैं, जो तहकीकात हो रही हैं, जो सारा वहाँ जाए हादसा पर हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इन्हें दावत दी है। नदीम ज़िया जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो सुबह से ही इस हवाले से कवर भी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि नदीम ज़िया साहब से हम ज़रा बात करें और ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जान लें कि इमदादी कार्रवाइयाँ, जो इमदादी ऑपरेशन है, क्या वो इख्तिताम पर पहुँच गया है। जी नदीम। जी बिल्कुल, ये आज जो है सुबह तारिकाबाद के करीब बलहार स्टेशन है, जहाँ पर जो है 4:10 पर ये अलमनाक हादसा पेश आया है, जिसमें जो है 84 अफराद जो है जख्मी हुए हैं, जबकि 21 अफराद जो है इस हादसे में जान बहक हुए हैं। तो हादसे की इतला मिलते ही जो रेस्क्यू पुलिस और दीगर जो अदारे हैं वो मौका पर पहुंच गए थे, इमदादी कार्रवाई की जा रही थी। तकरीबन 12 घंटे का ये ऑपरेशन जो है जारी रहा है। अच्छा। अभी जो है ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जितने भी जख्मी थे उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो डेड बॉडी थी उनको भी टीएचसी अस्पताल तारिकाबाद रेफर कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू की जानब से अभी जो 4 बोगियां काफी मुतासर हुई थी, उनमें सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जो मजीद अगर कोई डेड बॉडी या इस तरह का कुछ मामला होते हैं उस वाले से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अच्छा, क्या ट्रैक बहाल कर दिया गया है? जी, दोनों ट्रैक जो है वो 4 घंटे बाद बहाल कर दिए गए थे, क्योंकि जो बोगियां मुतासर हुई थी सही उनको जो है बड़ी मशीनरी की मदद से साइड पे करके उनमें से ऑपरेशन किया जा रहा था। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी नदीम, के जाहिर है जाए हादसा पर सबसे पहले तो ये होता है कि आप वो तमाम रेस्क्यू के ऑपरेशन को मुकम्मल करें और कोशिश करें कि जिस हद तक बचा सकते हैं उस हद तक जानों को बचाया जा सके, लेकिन अस्पतालों में जाहिर है रश है। क्या हमने पंजाब हुकूमत की तरफ से किसी को वहाँ आते देखा, या रेलवे के CEO, चेयरमैन, सेक्रेटरी, वजीर खुद कोई आया हो, बुजदार साहब आए हों? इस वाले से यहाँ पर हुकूमती कोई भी नुमाइंदा जो है वो मौका पर जो मैं आज सारा दिन क्योंकि वहीं पे रहा हूँ, वहाँ पर कोई भी जो हुकूमती नुमाइंदा है वो मौका पर नजर नहीं आया। अच्छा, अभी तक कोई वहाँ पर नहीं आया है। कुछ आपको पता है, जाहिर है एनी शाहिदीन का एक अलग अकाउंट है जो वो बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर अमला वहाँ मौजूद होता तो एक ही ट्रैक पर ये दो गाड़ियाँ ना होती, लेकिन जो तहकीकात अभी, क्योंकि जाहिर है इंक्वायरी इनिशियल स्टेजेस में है, शेख साहब ये कह चुके हैं कि 3 दिन बाकायदा इसमें लगेंगे व्हेन द इंक्वायरी इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीट। आप ये फरमाइएगा, फिर भी इब्तदाई क्या सामने आ रहा है, कोई सिग्नल के सिस्टम में फॉल्ट था या ह्यूमन एरर था? जी बिल्कुल, अभी तक जो इब्तदाई मालूम हुआ था उसके मुताबिक ये है कि जो मालगाड़ी वहाँ पर आई थी तो कांटा चेंज करके उसको लूप लाइन पे खड़ा कर दिया गया था, जिसके बाद जो कांटा तब्दील नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो पीछे से अकबर एक्सप्रेस आ रही थी वो भी लूप लाइन पर जाकर जो मालगाड़ी से टकरा गई थी। कांटा तब्दील नहीं किया गया, जिसने कांटा तब्दील करना था वो कहाँ है? जी, इस वाले से वो अमला के बात हुई है, वो अमला वहाँ पर जो नजर तो नहीं है, लेकिन रेलवे इंतजामिया के साथ हमारी बात हुई है तो उनका यह कहना था कि उसकी गलती की वजह से हुआ है, मजीद भी तहकीकात कर रहे हैं कि जो मामला सामने आएंगे उसके वाले से अदा कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपका, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी आपके पास कोई ताज़ा तरीन इतला हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। मैं आऊँगी सबसे पहले शौकत बसरा साहब आपकी तरफ, सारी अनफोल्ड हुई हैं आपके सामने, ये बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ है। सियासत से हट कर क्या आप ये मुझे बता सकते हैं कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर आल्सो, सबसे पहले तो ये होता है कि सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, दाद रसी के लिए ही पहुँच जाते हैं, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा पंजाब हुकूमत को करते हुए? नादिया, जो लोग ट्रेन हादसे में फौत हुए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन, उनके वर्सा को सबर दे, आमीन। बहुत ही अफसोसनाक बल्कि दिल खराश वाक्या है जी। जाहिर है वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप थे, किसी के बहन भाई थे, और ऐसा वाकया जाहिर है पहले भी ट्रेनों के हादसे होते रहे जी। इसके ऊपर बिल्कुल आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट किया, प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोग आज भी उस फरसूदा निजाम को लेकर बैठे हुए हैं। कौमें कहाँ चली गई हैं, दुनिया कहाँ तरक्की कर गई है, हमारे आज भी आप अगर बिजली का निजाम देख लें, अगर आप ये रेल का निजाम देख लें, टेलीफोन का निजाम देख लें, तो हमें मेरे ख्याल में उसके ऊपर जैसे जैसे दुनिया में तरक्की हो रही है हमें भी पाकिस्तान में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को और तमाम चीजों को लेकर आना होगा। और जहां तक आपने कहा इमदादी मामलों के तल्लुक देखें, फौरी तौर पर वहां पर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी वहां पे लोग हैं, तमाम जाए हादसा में पहुंचे हैं, तमाम पूरे हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एमरजेंसी का नफाज कर दिया गया था। राइट, तमाम लोगों को वहां पे, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग जख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, काफी
फरसूदा निजाम आप कहते हैं कि वजह बनी है इन ट्रेन हादसों की, पहले भी होते रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि पहले कभी हादसे नहीं हुए, लेकिन निसार चीमा साहब पिछले अगस्त से लेके अब तक मैंने इब्तदा में ये बताया कि 70 से ज़ायद छोटे बड़े हादसात हो चुके हैं जिनमें डीरेलमेंट के तकरीबन 51 या 50 हैं, और इसके अलावा जो हादसे हैं मुसाफिर ट्रेनों के वो 20 के करीब हैं, जबकि मालगाड़ियों के जो हैं वो 30 के करीब हादसे हैं। ये सडनली इजाफा क्यों हो रहा है, ये किस किस्म का निज़ाम ख्वाजा साद रफीक कर कर गए कि अगस्त से लेके जुलाई तक इतने हादसे हो गए? नादिया, वैसे तो हुक्मरानों का और उनके तर्जमानों का ये वतीरा है कि अपनी हर नयाली और बाद इंतजामी का मलबा वो पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं। ये भी बड़ी गनीमत है कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने ट्वीट में इसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे नहीं डाल दी, ये भी बहुत गनीमत है। सच्ची बात यह है कि जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जो लोग जख्मी हुए हैं, उनके लिए जितने भी दुख का इजहार किया जाए वो कम, वो कम है। अल्लाह ताला शहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, जख्मियों को जल्द अज जल्द सिर जाब करें। आमीन। बात यह है कि ये देखें, जिस तरह आपने कहा, अगर फरसूदा निज़ाम है तो क्या बात है कि पहले इतने हादसे नहीं होते थे। ख्वाजा साद रफीक के दौर में इतने हादसे नहीं हुए, बल्कि ये एक नया इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। रिकॉर्ड तो इन्होंने बड़े नए कायम किए, देखें ये गालिम गलोच के रिकॉर्ड, बेबुनियाद इल्जाम के रिकॉर्ड, यू टर्न के रिकॉर्ड, स्लिप ऑफ टंग के रिकॉर्ड, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने के रिकॉर्ड, बेशुमार रिकॉर्ड। एक नया रिकॉर्ड है नादिया, एक नया रिकॉर्ड है कि रेलवे के हादसा जो है हुए हैं पिछले 10 महीने में 70 से ज्यादा। पिछले 10 साल तारीख में 10 साल में इतने हादसे नहीं हुए जितने 10 माह में हो गए हैं। क्या बात है? बात यह है कि इनकी बद इंतजामी है, नौसत है, या दोनों चीजों का मजमू है। यानी हकीकत यह है कि ये पूरी कौम इस बद इंतजामी और नौसत की सजा भुगत रही है। अच्छा। और देखें, वज़ीर आज़म साहब कहा करते थे और मुख्तलिफ मुल्कों की मिसालें देते थे कि फलां मुल्क में जी ऐसे एक हादसा हो गया तो वजीर ने इस्तीफा दे दिया। हाँ। अब इतने हादसे 70 से ज्यादा, लेकिन ये वजीर रेलवे जो है ना, उनको शर्म आती है कि वो इस्तीफा दे दें, ना वज़ीर आज़म साहब उनसे इस्तीफा तलब करते हैं। किस तरह की डिटाई है? अच्छा, बद इंतजामी आपने कहा, ये मैं इसकी इस्तीफे की तरफ आती हूँ कि क्या ये हल है या नहीं, लेकिन हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर लेबर यूनियन के, नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर भी बैठे हुए हैं और प्रेम इनके अंडर भी है, तो इसलिए इनसे जरा जान लेते हैं। हमारे साथ हैं शमसुर रहमान साहब। शम साहब, क्या वजह है ये जो बार बार कहा जा रहा है 70 से ज्यादा वाकयात हादसात जो हुए छोटे बड़े मिलाकर विद इन स्पैन ऑफ अगस्त टू जुलाई, क्यों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो जी, मैं जो लोग इसमें शहीद हुए हैं और मकामी तौर पर जो इत्तला'आत हैं और जो गवर्नमेंट के इदाद शुमार हैं, इसमें बहुत फर्क है। अच्छा। यानी इसमें मकामी तौर पर 60 से 70 लोग बताए जा रहे हैं जो जाँ बहक हुए हैं, 85 से ज्यादा जख्मी हैं। ये जो मुकामी हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, तो अब अगर हुकूमत गिल्टी नहीं फील कर रही तो तादाद को क्यों कम करके बता रही है? एक बात, मैं उन शहदा के गिरानों से ताज़ियत का इजहार भी करता हूँ, जख्मियों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बड़ा अलमिया है जी हमारे मुल्क में कि भाई ये अभी ये मुस्लिम लीग वाले भाई कह रहे थे कि भाई ये इनकी नौसत है, तो यही तो आप ही के वज़ीर रेलवे थे। शेख रशीद साहब मुस्लिम लीग नून के ज़माने में भी वज़ीर रेलवे रहे हैं, और उस वक्त एक ऐसा हादसा हुआ था कि जिस जो कराची और दरमियान में 10 से 15 रोज़ तक ट्रैफिक बंद रही थी रेल की। ये पे दर पे हादसात, एक तो ज़ाहिर है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंग्रेज़ बना कर गए उसमें हमने तरक्की नहीं की, और फिर सिस्टम निजाम, आप ये कह रहे हैं क्या शेख साहब की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं? क्या कर देते हैं वो ऐसा कि हादसे शुरू हो जाते हैं? देखिए जी, मैं तो शेख साहब को खूब ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन बात यह है कि कोई ज़मीर वाला बंदा नहीं है जो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करके वो अखलाकी तौर पर ही एक ज़िम्मेदारी कबूल कर लें। सिस्टम को तो शेख साहब की वजारत चला रही है ना, सिस्टम को तो जो रेलवे की मैनेजमेंट है वो चला रही है ना। ह्यूमन एरर की बात की जाती है, मैं ह्यूमन एरर से इनकार नहीं करता, वो हो सकता है, लेकिन वो भी तो निज़ाम की वजह से होता है ना। ह्यूमन अगर एरर होता है तो उस निज़ाम पर कुछ चेक नहीं होता, तो इस वजह से होता है ना।
तो एक एक शौक है नए पाकिस्तान का और नई चीज़ का, रोज़ाना एक ट्रेंड नई कॉस्मेटिक करके चला दी जाती है, ट्रैक पुराना है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है और ट्रेनों को भी बोगियां पुरानी हैं, इंजन पुराना है, कोई चीज़ नई नहीं है। तो नई जो ट्रेन मुस्तकिल चलाई जा रही हैं एक पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ओवरलोड हो गया है जिसकी वजह से क्या लोग कोप नहीं कर पा रहे इस नई ट्रेन की आमदोरफ्त से, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए जी, सिरे से इस चीज़ को देखा ही नहीं जाता। शेख साहब ने एक ट्रेन चलाई थी, आपको याद होगा, मियाँ वाली का जो रूट है, दाऊद खैल वाला जो रूट है, ये बंद था और इस पर उनको रेलवे के जो मैनेजमेंट थी, उस मुतलका उस शोबे के लोग थे, उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली मशवरा दिया कि आप इस ट्रैक पर न चलाएं। तो पहली ट्रेन जो है वो हादसे के शिकार हो गई थी कि आगे, चूँकि एक बड़ा अरसा उस पर उस ट्रैक पर ट्रैफिक नहीं थी, वो बंद था और वो ट्रैक ही नहीं था नीचे से, वो हादसे का पहले यानी ठीक है। आप देखें ना, जिम्मेदारी होती है ना जी, ये अब इसकी कौन जिम्मेदारी, ये कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये जो इस्तीफे का मुतालबा है, क्या वो सही है कि नहीं? अगर ये भाई, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। शौकत बसरा साहब से आकर और निसार चीमा साहब से बात करेंगे कि ये इस्तीफा क्यों जरूरी है, और जो बात कही है मेरे भाई ने, शमसुर रहमान साहब ने, कि पे दर पे ट्रेन जो है वो चलाई चले जा रहे हैं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो जाहिर है कि फिर हादसात भी होंगे, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये ह्यूमन एरर्स हो रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है ट्रेन हादसों के हवाले से, और आज सुबह जो वाकया हुआ है सादकाबाद में, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में, अकबर एक्सप्रेस के साथ, और बसरा साहब आपने देखा कि ऑपोजिशन जमाते मुस्तकिल शेख रशीद साहब का इस्तीफ़ा डिमांड कर रही हैं, आपके ख्याल में, और जो अभी शमसुर रहमान साहब ने भी कहा, क्या इखलाकी तौर पर ही बनता है, क्योंकि मुस्तकिल जो हादसे हो रहे हैं इसकी वजह से उन्हें कर देना चाहिए, या उनके इस्तीफे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या सिर्फ जब तक इंक्वायरी हो रही है जब तक कर देना चाहिए? नादिया, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा, हम फरसूदा निज़ाम क्यों कहते हैं, हम कहते हैं कि निज़ाम को डेवलप क्यों नहीं किया गया? 9 महीने हुए आए हुए तहरीक इंसाफ को, 70 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं थी, बिल्कुल ठीक है, सार चीमा साहब मेरे बड़े भाई हैं, तीन दफा तो मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम रहे, इसी तरह 2 बारियाँ पीपल्स पार्टी ने ली, इसके बाद आप देख ले अमरीत भी रही, कोई ज़ियाउल्लाह का दौर रहा, कोई मुशर्रफ का दौर रहा, कोई यहया खान का रहा, भाई अगर आप लोगों ने, अगर अंग्रेज का दौर आज भी चल रहा है तो इसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ को तो आप तब पूछिएगा जब हमारे 5 साल कम से कम मुकम्मल हो जाए, तो आप बताइएगा कि आपने फलां इदारे में क्या इंप्रूवमेंट किया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात देखें, एक दो बातें मैं सिर्फ नहीं, लेकिन बसरा साहब वो एक दो बातें बाद में कीजिएगा। आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, जाहिर है आपको नहीं ब्लेम कर सकते, ये कॉलोनियल एरा का है, इन सारी हुकूमतों को करना चाहिए था, इंक्लूडिंग ऑल द मार्शल लॉज, नहीं किया गया, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत को आते ही इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू करना चाहिए था, ना कि नई नई ट्रेन का इजाफा करके फीते काटना? नादिया, वैसे मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, राय मैं वजारत में हूँ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, चाइना के साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है, आपको मैं अगर कहें फैक्टर फिगर भी अगर ब्रेक होती है तो मैं बता दूंगा, जिसमें पटड़ी की तब्दीली भी है, अभी ज्यादा इसको क्रैक कर सकेंगे। हाँ, शेख साहब कहते हैं वो ML1 का जिक्र मुस्तकिल कर रहे हैं। यही बात मैं कह रहा हूँ कि वो बाकायदा साइन हो चुका, उसके बाद नए इंजन आ रहे हैं, काम तो हो रहा है और ओवरनाइट तब्दीली नहीं आनी है। लेकिन आपने जो बात कही कि मैं फिर कहता हूं, देखें जो ह्यूमन एरर है, हम उसको तो कम से कम उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, अगर ये हुआ है हमें देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, तहकीकात हो रही है, एक या दिन में असल हकायक सामने आ जाएंगे कि किस वजह से ये अंदोनाक हादसा पेश आया, और जो जिम्मेदारान होंगे बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक बात मैं और कहूं, स्वाति साहब जो बात कह रहे हैं ना कि ज्यादा लोग फौत हुए हैं, देखिए आजकल गवर्नमेंट को पहली बात है हकायक छुपाने की क्या जरूरत है, हो सकता है वहां पर जो आज पूरा रहीम यार खान के अंदर मीडिया भी मौजूद है, हर तरह की पार्टियां मौजूद है, तो इन्फॉर्मेशन आती रहेगी साथ साथ, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने कोई ऐसे
सिंगल इशू नहीं किए हैं, सही, इतने लोग फौत हुए हैं। अब बस बस अब मेरे सवाल का जवाब दें ना, मेरे सवाल का जवाब दें। ऑपोजिशन कहती है इस्तीफा दे दें, या फिर जब तक इंक्वायरी हो रही है, शम साहब कह रहे हैं जब तक इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे दें, होना चाहिए नादिया? इस्तीफा मांगने से पहले मेरे ख्याल में अपोजिशन को अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए, जिन्होंने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, इसको लूटा कसूटा, यही रेलवे है जिसके मुतलिका मैं क्या कहूँ। अच्छा, आप अंदाजा ये हाँ या ना बताए ना, बस बस आप इनको छोड़ दें, इन्होंने तो बुरा काम किया। मैं कहती हूँ आपके ख्याल में देना चाहिए कि नहीं, बिकॉज पीटीआई हैज अ हाई मॉरल ग्राउंड। जरा देखिए मेरी बात सुनिए, तहकीकात सामने तहकीकात हो रही है, वो सामने आ जाती है, लेकिन अगर ह्यूमन एरर है तो मुझे बताइए, मैं खुद ये मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ, ठीक है, उसमें वजीर का क्या ताल्लुक? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वजीर का क्या कसूर है? बिल्कुल, बसरा साहब आपने कहा बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको, आपको याद होगा ख्वाजा साद रफीक के जमाने में निसार चीमा साहब लोधरा वाकया हुआ था, बहुत ही बड़ा ये हादसा हुआ था लोधरा में, ये ट्रेन हादसा, उस पर उस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन में थे जी, और उन्होंने क्या, मौजूदा वजीर आजम उस वक्त ऑपोजिशन में थे, क्या फरमाया? बसरा साहब पहले ये देख लीजिए, सुन लीजिए इसे, उसके बाद जरा बात करते हैं। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए, कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती जी। निसार चीमा साहब इस्तीफा क्या इसलिए आप लोग भी मांग रहे हैं क्योंकि खान साहब इस पे बिलीव करते आए हैं? जी नादिया, मैं तो पहले ही गुजारिश कर चुका हूं कि ये खान साहब ने तो देखे, इमरान खान साहब ने तो जो जिस जिस चीज का ऐलान किया है उससे वो मुनरफ हुए हैं, वो यू टर्न लिया है, हर वो काम किया जो ना करने का ऐलान किया था, ना करने का वादा किया था। और देखें ये जो इस्तीफे की बात है, ये मिसालें दिया करते थे, और ये एक हादसे की बिना पे उन्होंने कहा इस्तीफा, ये तो 70 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। और दूसरी बात ये है, इस्तीफा तो बाद की बात है, ये देखें इतनी संगदिली है, इतनी बेइज्जती है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि हादसे के बाद कोई जिम्मेदार आदमी पंजाब हुकूमत का और वफाकी वजारत रेलवे का, ना वजीर ना सेक्रेटरी ना चेयरमैन ना जो चीफ मिनिस्टर ना उनका कोई और मुतलका हुकाम, कोई बंदा मौके पे नहीं पहुंचा कि जी दिल्ली काम जो लगे हुए हैं, ये वो जो है आर्मी के लोग लगे हुए हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप इस वक्त हुक्मरानी पे आप मुसल्लत हैं, मुल्क के ऊपर आपको मुसल्लत कर दिया गया है, इस कदर में इसी इस कदर संग दिली कि आपके सामने इतना बड़ा हादसा हुआ और आप मौके पर नहीं जा सके। बसरा साहब लेकिन उन्होंने इनसे क्या तवक्को है, क्या इन्होंने इस्तीफा देना है? बसरा साहब यानी ये जमीन की खरच नाम की कोई चीज ही नहीं है ये इस्तीफे की। और जब देखें अपनी नाली की सारा मलबा पिछली हुकूमत पे, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। बसरा साहब देखिए, हाई मॉरल ग्राउंड का हमेशा पीटीआई जिक्र करती आई है, खान साहब खुद पहले भी कह चुके हैं कि इंक्वायरी वजीर के रहते हुए कभी ठीक तरीके से नहीं हो सकती। देखें जो मैं फिर कह रहा हूं, ये उन लोगों से मुतालबा किया गया जिन्होंने तीन तीन बारियां ली, जिन्होंने अच्छा पहली बारी पे नहीं डिमांड होता आजम रहे पहली बारी मैं नहीं। और बात कह रहा हूँ, ये इंफ्रा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कुछ इस वक्त रेलवे का जितना निजाम है इसको लाने में चलाने, अभी तो हम ट्रेनें नहीं चला रहे हैं, ये निजाम तो इनका फरसूदा लाया हुआ है, इनको उस वक्त अकल करनी चाहिए थी कि पैसे कम बनाते, माल कम बनाते, लूटते कम, कमीशन कम खाते और ये बेहतर कर लेते हैं निजाम को। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर जब हम अपने टेन्योर कंप्लीट करेंगे, अगर उसमें हम बेहतरी ना ला सके अपने इदारों के अंदर, अपने मामलात के अंदर बिल्कुल बचा, आपका जायज बनता क्या बजा बजा पीट बजा बसरा साहब। लेकिन देखें बात हो रही है हादसे की और हादसे के बाद की इंक्वायरी की, लेकिन शायद कराची की सड़कों में जैसे क्रिकेट खेला जाता था ना, तो फर्स्ट बॉल हमेशा ट्राई बॉल कहलाती थी, अगर आउट हो गए उसके ऊपर तो वो ट्राई बॉल होती थी, तो शायद ये ट्राई बॉल के तौर पर हम ले रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ठीक है 5 साल बाद आपसे जरूर शिकायत कर लेंगे, लेकिन अब जब से वक्त स्टार्ट हुआ है क्या ये ज़रूरी नहीं था कि अगर चले ट्रैक फौरन नहीं बिछ सकता, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो आपका मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, मौजूदा अमला है, उसकी ट्रेनिंग का ही एहतमाम कर लेते, जो सिग्नल्स हैं, जो सिग्नल सिस्टम अगर नाकस हैं उनको इम्प्रूव कर लेते, बजाय ये कि आप नई नई ट्रेनों का आगाज करते। लेट्स टेक अ ब्रेक, वील डिस्कस दिस।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज के ट्रेन हादसे के हवाले से, जिम्मेदारी लेने के हवाले से। शेख साहब ने भी ये कहा है कि अगर उन्हें लगा कि उनकी ज़मीन पर किसी किस्म का बोझ है तो बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ में इस्तीफ़ा रख देंगे। बात इस्तीफ़े की चले, मैं फिर भी कहती हूँ कि इस्तीफ़े से ज़्यादा इस वक्त शम्सुर्रहमान साहब जो ज़रूरी है वो उस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है जो शायद अब तक किसी हुकूमत ने नहीं की, चाहे वो नून हो, काफ हो, या पीपल्स पार्टी हो, या हमारे जो दूसरे फौजी अदवार रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस हुकूमत ने, ज़ाहिर है चाइना के साथ मुआहदा हुआ है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब तक हम इन नई ट्रेन्स के बजाय जो अमला है उसको थोड़ा अलर्ट, उसका चेक एंड बैलेंस, उसका निज़ाम, जो एग्जिस्टिंग हमारा टेक्निकल स्टफ़ है, जो सिग्नल का सिस्टम है, उसको ठीक करना, ये सब करना चाहिए था, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। देखिए जी, बुनियादी तौर पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तब्दील करने की ज़रूरत है। चाइना तो इस वक्त अपने ज़ाहिर तजारत को बढ़ाने के लिए वो सारे काम कर रहा है और उसके भी सर्वे सारे मुकम्मल हो गए हैं, कहीं पे काम नहीं शुरू हुआ। तो वो काम तो लगता ही है कि हुकूमतें ही उसमें कोई इनको ही कुछ रिजर्वेशन है, रिकावट बनी हुई है, वरना तो वो शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि भाई ये कुछ बदला तो नहीं है ना। हुकूमत हम कहते हैं जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, नून की थी, और आज पीटीआई की है, ठीक है। कोई 72 साल से इस मुल्क में स्टेटस को है और ये एक लोग हैं। आप देख लेना, आपके सामने भी जो लोग बैठे हुए हैं वो कल किस पार्टी में थे, आज किस पार्टी में हैं, और ये जो पीटीआई है ये किन पार्टियों का मजमुआ है। मार्शल लाओं का दौर हो या पार्टियों का दौर हो, कुछ खानदान है। आप रेलवे के हिसाब से कहें, क्या शेख साहब को इस वक्त जितना भी उनका टाइम था नई ट्रेन चलाने के बजाय जो एग्जिस्टिंग निज़ाम था उसे बेहतर कर लेते, अमले को बेहतर कर लेते, सिस्टम्स चेक एंड बैलेंस हो जाता? असल बात यह है ना जी कि हम जो भी काम करते हैं वो मीडिया कंजम्पशन के लिए करते हैं। मीडिया पर एक ट्रेन का इफ्तिताह करते हुए फोटो आ जाएगी, हमने 12 नई ट्रेनें चला दी हैं। भाई आपने वही पुरानी ट्रेनों को मेकअप करके तो चला दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने चेंज नहीं किया, ट्रैक वही है, सूरत हाल वही है, तो उस पर नई ट्रेनें क्या करेंगी? आपने अमले को ट्रेंड नहीं किया, नई भर्तियां आपने नहीं की, आपने बुनियादी तौर पर कोई इस्लाहात नहीं की जिस एजेंडे पर आप आए। अच्छा, इस इदारे में इस्लाहात की जरूरत है, इसको हर इदारे में इस्लाह की जरूरत है। लेकिन इस ट्रेन के हवाले से अगर पाकिस्तान रेलवे में बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती तो बेहतर था, बजाय नई नई ट्रेनों का इफ्तिताह। मैंने कहा था ना इब्तिदा में, शौकत बसरा साहब, वो आपकी हुकूमत हो या गुज़िश्ता हो या उससे पिछली हो, सब पता है ट्रेन के हवाले से क्या कहते हैं, गड्डी राइट टाइम है, दैट्स इट। मतलब वॉट एवर हैपन्स टू द सेफ्टी डजंट मैटर, राइट टाइम अगर चल रही है इसका मतलब निज़ाम बेहतरीन चल रहा है। नादिया, मैं एक बात अर्ज करूं, देखें अभी जो बात की जा रही है ना कि नई ट्रेनें क्यों चलाई गई, पहले निज़ाम को बेहतर कर लेना चाहिए था। मैं यहाँ पर शेख रशीद साहब को और पीटीआई गवर्नमेंट को, ये नहीं कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन ये बात कर रहा हूँ, खराज तकसीम पेश करना चाहिए। अगर नए रूट बंद थे जो अरसा दराज से, क्यों खोले गए? अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम की आसाइश के लिए, अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए खोले गए, और उनके ऊपर ट्रेनें कामयाबी से चल रही हैं। फिर मैं आपको अर्ज करूं, मैंने ब्रेक में भी सारा कुछ उसके ऊपर लिया है, बाकायदा चाइना के साथ जो सी पैक का इस वक्त बहुत एक गेम चेंजर पाकिस्तान में शुरू हुआ है, सी पैक का हिस्सा है जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने उनके साथ साइन किया है। इवन मैं आपको बताता हूँ, मेरा साउथ पंजाब है, हरुणाबाद छोटाबाद सेक्शन जो है भावअरसद रात से बंद था, मैंने शेख रशीद साहब से मिला। अच्छी बात है कि सहूलत के लिए आप कर रहे हैं। नादिया मेरी गुजारिश सुन ले। मैंने गुजारिश की कि कम अज कम हमारे जिला की आबादी जो है इस वक्त 30-40 लाख के करीब है और हमें सहूलत हमें नहीं मिल रही, उन्होंने उसको, अच्छा अभी क्या ट्रेन तो नहीं वहां चल गई? अच्छा, लेकिन देखिए क्योंकि वक्त कम है बसरा साहब, वक्त कम है, लेकिन आपकी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जो वजीर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसे फारिग कर देंगे, क्या इस वजारत की अकाउंटेबिलिटी का इस वक्त आ गया है आप समझते हैं, कीपिंग इन माइंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन एक्सीडेंट ऑफ। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम मिनिस्ट्रीज की बाकायदा हर मिनिस्ट्री को चेक कर रहे हैं, हर मिनिस्ट्री में देखते हैं कहाँ परफॉर्मेंस बेहतर है कहाँ नहीं है, उसके मुताबिक आप देख लीजिए। कभी ऐसे हुआ कि कई मिनिस्टर फारिग हुए, कईयों ने कई इस्तीफे दे गए अपनी मिनिस्ट्रियों से, तो यहाँ पर तो आपको तब्दीली नजर आएगी। और यहाँ पे भी मैं आपको अर्ज करता हूँ, तब्दीली नजर आ सकती है यहाँ पर चीमा साहब के लास्ट नजर आएगी। और फिर मैं दुआ करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ नादिया के, बात यह है
कि 22 करोड़ अवाम में से शायद बसरा साहब वाहिद आदमी है जो इस हादसे के बाद भी शेख रशीद साहब को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। दूसरी बात जो है मेरी बात सुने। दूसरी बात जो मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ, तस्दीक करना चाहता हूँ, शम्स रहमान सवाती साहब फरमा रहे थे कि ये आपके दौर मुस्लिम लीग नून के दौर में वजीर रेलवे रहे जब बहुत बड़ा हादसा हुआ, वो मैं इनको याद दिलाता हूँ कि वो वजीर रेलवे थे मुशर्रफ के दौर में, उसी दौर में वो हादसा हुआ था। बिल्कुल। तीसरी बात जो है वो ये है कि आप इस्तीफे की बात करते हैं, मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, सिर्फ एक शेर सुनाता हूँ। इनसे इस्तीफे की तो करना वही है कि तुमको मैं एक छोटी सी तरमीम के साथ कि तुमको उनसे हया की है उम्मीद जो नहीं जानते हया क्या है। बात यह है कि इनसे इस्तीफे की तवक्को आप करते हैं, ये जिन्होंने आज तक जो अपना काम किया नहीं है, सारा जोर उनका, सारी तवज्जो जो है मुखालिफिन को, अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की तरफ है। वक्त खत्म, वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल चीमा साहब, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कोई नहीं चाहता कि कोई वजीर जो है वो इस्तीफा दे दे, लेकिन अलबत्ता वो जमात जो कि कहती आई है कि हाई मॉरल ग्राउंड या जब तक इंक्वायरी हो देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये सोचना होगा प्राइम मिनिस्टर को हाउ ही वॉन्ट टू रन दी अफेयर्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री। बहुत सारे हादसात की वजह शेख रशीद फर्द वाहिद नहीं हो सकते, जाहिर है कहीं ना कहीं इस इदारे में कोई मसाइल हैं, इस सिस्टम को सही करना होगा, वरना जो लुकमय अजल बन रहे हैं, जिनकी फैमिली के चिराग बुझ रहे हैं, जिस तरह से उनको निकाला गया है, यकीनन उन वो फुटेजेस अगर आप देखेंगे या वहाँ जो लोग मौजूद थे, तो बड़ा दिल हिलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि इदारे ख़राब हो चुके हैं, हमें इसे बेहतर करना है। हाँ, क्विक फिक्स कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बेहतर फौरी तौर पर करना होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।